पेटीएम कंपनी पर एक के बाद एक संकट आता जा रहा है। पहले कंपनी के बैंकिंग ऑपरेशंस बंद करने का आदेश आरबीआई ने दिया, जिसकी लास्ट डेट 15 मार्च है, और अब कंपनी पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए यह जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी गई है। इस रिलीज में बताया गया है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर जुर्माना लगाया है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कुछ इकाइयां और नेटवर्क के ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे गैर कानूनी कामों में शामिल होने की जानकारी मिली थी। इस गैर कानूनी कामों से मिले पैसों को बैंक अकाउंट के जरिए पेटीएम पेमेंट बैंक की इकाइयों में लगाया गया था। ये खुलासा होने पर जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले 31 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया था। केंद्रीय बैंक ने पेटीएम की बैंकिंग सेवाएं 29 फरवरी तक बंद करने को आदेश दिया था, जिसके बाद डेडलाइन बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया है। बता दें कि पेटीएम के गलत ऑपरेशंस पहले भी सामने आते रहे हैं और उस पर एक्शंस भी होता रहा है। 2018 से 19 को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। रोक केवाईसी प्रोसेस से जुड़ी समस्याओं के कारण लगाई गई थी। साल 2019 में आरबीआई ने इस प्रतिबंध को हटा लिया था। साल 2021 में पेटीएम पेमेंट बैंक पर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगी थी। सर्टिफिकेट ऑथराइजेशन के लिए फैक्चुअली गलत डॉक्यूमेंट्स देने की बात सामने आई थी। 2022 में गलतियां ठीक नहीं कर पाने पर आरबीआई ने फिर से प्रतिबंध लगा दिया। साल 2023 में 5.30 करोड़ रुपए जुर्माना लगा। इस साल जनवरी 31 में बैंकिंग ऑपरेशंस रोकने के लिए निर्देश जारी हुए और अब फिर 5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। इस तरह पेटीएम कंपनी लगातार मुश्किलों में घिरती जा रही है। पेटीएम के यूपीआई के बारे में बता दें कि इसके लिए आरबीआई ने कहा है कि अगर यूपीआई पेटीएम पेमेंट से लिंक है तो वो 15 मार्च के बाद नहीं चलेगी। अगर इस सर्विस को जारी रखना है तो ग्राहकों और मर्चेंट को अपने पेटीएम यूपीआई को किसी और बैंक से लिंक करना होगा। इसी को लेकर आरबीआई पिछले दिनों नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि पेटीएम की शुरुआत अगस्त 2010 में हुई थी। शुरुआत में डीटीएच और प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म के रूप में इस कंपनी ने मार्केट में एंट्री की थी। बाद में कंपनी ने तेजी से कदम बढ़ाए और भारत की टॉप यूनिकॉर्न स्टार्टअप में शामिल हो गई। साल 2020 में आई रिपोर्ट में ये पता चला था कि पेटीएम भारत की सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी थी। इसकी वैल्यूएशन 16 अरब डॉलर थी। अब आरबीआई के प्रतिबंधों के बाद कंपनी का क्या होता है, इस पर लोगों की नजरें लगी हुई हैं। ये खबर लिखी है हमारे डेस्क के साथ अपूर्व श्रीवास्तव ने।